आज का नाश्ता और साथ में। हेलो भाभी, रो मत रो मत। नहीं नहीं मत रो मत रो मत रो मत रो। भाभी के हाथ का स्पेशल पोहा। अब जोर से मारी जाती है, अब मस्ती नहीं आ रहा है इसको। अब मुंह पे मारी जाती है, अब मार देगी आपको। हाथ नहीं आ रहा। कैसे हैं आप लोग? आए हो बच्चे होंगे। और आज है आखिरी दिन मेरा यहाँ पर, लास्ट डे। तो थोड़ा बहुत जो छोटे मोटे काम है हम सोचे आज कर लेते हैं, जो यहीं पे आसपास से हो सकते। तो मैं अपने सेंट्रल पार्क के गार्डन से गुजर रही थी, तो सोचा आपको मैं दिखा दूँ यहाँ का गार्डन कितना ज़्यादा अच्छा है, खूबसूरत है। और अगर अगर आपको यहाँ आने के लिए मतलब जैसे रिक्शे वालों को अगर आप बोलोगे सेंट्रल पार्क गार्डन, तो वो यहाँ ला के छोड़ देगा। तो थोड़ा तो ये है हमारा ग्राउंड प्लस गार्डन प्लस छठ पूजा का प्लेस प्लस गणपति भी यहीं होती है, सत्संग एंड ऑल जो भी होता है वो यहीं पर होता है इन बड़े गार्डन में। मतलब बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट कर दिया जाता है। जब अच्छा डेकोरेट कर दिया जाता है तो अच्छा होता ही है, लेकिन यहाँ की जो चीज़ें लगाई हुई थी उसकी हालत कुछ इस तरीके की हो गई है। आज आस पास ये वाला फ्रेम दिख रहा है, ये वाला फ्रेम इसके अंदर नेट था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। सब तोड़ दाड़ दिया यहाँ के लोगों ने स्टार्टिंग में। हाँ, इतना अच्छी तरीके से बनाया उसको, लेकिन अगर यहाँ पे लोग मेंटेन करके ही नहीं रखेंगे तो बनाने का क्या मतलब ही है। ये वाला जो पार्ट है, अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ये वाला पार्ट है यहाँ के पूरा। ये वाला जब पानी भरेगा तो ये नहीं दिखेगा, मतलब ये पूरा स्विमिंग पूल हो जाता है, मिनी स्विमिंग पूल। आराम से नाला सुपारा के सेंटर पार्क के लोग आराम से मिलजुल के यहाँ पे नहा सकते हैं, मतलब पानी भरता है। अच्छी जगह है, नो डाउट, मैं तो मना थोड़ी ना कर रही हूँ, अच्छी जगह है। ये फुल पूरा भर जाता है गार्डन, वो तो है ही है पानी वाला भरने का पता, लेकिन मुझे भी तो वही चीज़ अच्छी लगती है ना। मैं यहाँ पे रहती हूँ, ऑफकोर्स मुझे क्यों नहीं अच्छी लगेगी, मैं यहीं पे रही हूँ, यहीं पे बड़ी हुई हूँ, तो मुझे भी अच्छी लगती है। लेकिन जो चीज़ प्रॉब्लम है, जो कमी है वो तो मैं डालूंगी, जो कमी है वो तो बोलनी पड़ेगी। सैन फ्रांसिस स्कूल हमारे सेंटर पार्क का सामने ही, सेंटर पार्क के सामने सैन फ्रांसिस है,
और इनकी माता जी बोल रही है राधा यहीं पढ़ाई करेंगी, तो अभी कुछ पता नहीं है। बहुत अच्छा स्कूल है, ऑफकोर्स बहुत अच्छा स्कूल है ये। यहाँ पे हम आ चुके हैं दत्त मंदिर, तो ये दत्त मंदिर फेमस दत्त मंदिर यहाँ का। तो मैं आई हूँ आज अपने फ्रेंड के घर पे, ओनली फॉर 5 मिनट्स, टाइम नहीं है क्योंकि, और मिलना था अंकल आंटी से भी और भैया से, श्वेता से, इसलिए मैं आ गई यहाँ पर। ये वाला शॉर्टकट है लेकिन यहाँ से गेट बंद कर दिया है। मैं अभी यहाँ पे आई थी, फिर वापस से मुझे घूम के आना पड़ा। तो यहाँ से वो भी 5th फ्लोर पे रहती है। यही है वो लड़की, यही है वो लड़की। तो हमारी BFF जो दूर से केक भिजवाती हैं, यही है वो लड़की। और ये हमारी क्यूटी पाई, ऐसे क्यूटी पाई मेरी मोस्ट। हेलो, तो हम आए हैं आज सिमरन मिश्रा के घर पे, जो हमारी BFF है, तीसरी की फ्रेंड है, तीसरी की थर्ड क्लास से हम लोग फ्रेंड्स हैं। और अभी कितने साल हो गए, 3 साल हो गए हम लोग को, जो भी है, 19 शायद से। तो ऐसा है, तो एडिट कैसे करती है? तो जो अभी आपने देखा यहाँ का थोड़ा आंटी का रिचुअल है, फिर मजा आता है। फर्स्ट टाइम बेटी घर पे आई है, शादी के बाद फर्स्ट टाइम आते हैं तो ऐसा होता है। तो मुझे भी पता नहीं, बड़ा अच्छा लगता है ये सब। बोल रही तू यार कैसे बोल दे रही है, नहीं मेरे को नहीं प्लीज। मैं जेल भी पहुंच गया। तो ये आंटी थी हमारी, सिमरन जो है उनकी मम्मी जी। तो BFF कहाँ उड़ रही है क्या मालूम, कुछ आता पता नहीं है BFF का। हाय गाइस, ये ना जया की BFF है। पहले रुक जा, म्यूट कर। देखो कोई और आया है। हेलो, नमस्ते, मेरे आते ही भाग गई। कल ही तो गई, तो तू कल क्यों नहीं आई? मालूम नहीं, वीडियो चल रहा है बाबा, यूट्यूब वाला। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो, जल्द से जल्द ब्रो सब्सक्राइब, जल्द से जल्द सब्सक्राइब। चलो, तो ये हमारी सिमरन मैडम का घर है, ये हमारी बाय गाइस, डबल बेडरूम किचन विद बाथरूम। तू तुझे कौन सा मिला था सिमरन? बाय बाय, मिलेंगे फिर से, सिबी की शादी में शायद। हाँ, इसकी गाली लेके जाऊँ मैं। क्या समोसा है, किसका यम्मी है अम्मा। मेरे को भी दे दो, दे दो, दे दो यार, थोड़ी सी दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, उसके लिए दो बोलना चाहिए एक्चुअली, एक नहीं ना, वो दो हाथ अपने पास। आ खुशी, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो जया सिंह फ्रॉम दिल्ली, ये मेरे लिए बना रही है कुछ स्पेशल चाय जिसमें दूध कम पानी ज्यादा है। तो इस चाय में अभी जस्ट इसने कुछ तो डाला है, शुगर है शायद। ओ भाई, चाय में मैंने शुगर डाला है, इतना जोर से बोलना होता है, ठीक है। तो अभी मैं इसमें यहाँ पे हाथ में दर्द हो रहा है क्या, हाथ पकड़ ले? नहीं, हम ऐसा प्रॉपर फ्रेम में आएंगे। इतना ज्यादा चाय क्यों बना रहे हो, हम सिर्फ 4 लोग ही है ना, कोई काम करने नहीं है, बोली झाड़ू पोछा करने को करने नहीं है।
उसमें और कुछ मसाला वसाला नहीं पड़ेगा। ऐसे चाय मैं नहीं पीती, मेरे को ऐसा अच्छी चाय चाहिए होती। पी अच्छी चाय मत पी तू चाय मेरे घर पे। उसको प्रॉपर ऐसा खोलना चाहिए, उसमें ऐसा मलाई आना चाहिए, और वो क्या डालते हैं उसमें मसाला डालते ना जीरा, क्या जीरा जीरा मंगाऊंगी आपसे, सीओडी करवाऊंगी मैं। सीओडी कराएगी? हाँ, क्या मतलब सीओडी? मैं भी करता हूँ। ठीक है, बाय राधा। बाय राधा, बाय। अभी बाय बोल रही है। या एक ही बनवाए क्या? क्यों तो हमारा मोस्ट फेवरेट चाइनीज बेल हम खा रहे हैं गुजराती अंकल के हाथ से। इनका मतलब बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है, तो हम लोग यहीं से मोस्टली खाते हैं। हाँ, सेकंड मोस्ट फेवरेट मेरा गन्ने का जूस। हाँ, यहाँ पे सिर्फ खाना खाना खाना, बाहर का खाना बहुत हो रहा है। तो ये मैडम आई है फुर्सत से। ओ माय गॉड, कैमरे को हाइड करते हुए हाय। आओ आओ आओ, बहुत जरूरी है भाई तेरे लिए, बहुत जरूरी है तेरे लिए, बहुत जरूरी है। तो ये आई है फुर्सत से, संडे को ये नहीं आई थी, मिल पा रही थी, तो आज थोड़ा सा टाइम निकाल के हमसे आई है। टू मच बिजी पर्सन, और इसको हम लोग बैंक वाली भी कहते हैं। हाँ, मेरे बैंगोली।